रितेश देशमुख और नरगिस फाखरी स्टारर फिल्म बैंजो आज बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो गई है। फिल्म बैंजो एक म्यूजिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसे डायरेक्ट रवि जाधव ने किया है। अब आइए हम बात करते हैं फिल्म बैंजो की। फिल्म बैंजो देखकर आपके जहन में एक डायलॉग जरूर आएगा। जी हाँ, वो कंगना रनौत ने कहा था ना, रीबॉक ना सही तो रीबूक ही सही। बस ऐसा ही कुछ फील आएगा आपको रितेश देशमुख की ये नई फिल्म देखकर। और दुख ये है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। बैंजो में ज्यादा कुछ गलत नहीं है, बस फिल्म की स्टार कास्ट के अलावा। क्रिटिक्स का इस फिल्म को लेकर कहना है कि फिल्म का डायरेक्शन कमाल का है, जिसके दौरान छोटी छोटी बारीकियों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मुंबई के अलग अलग इलाकों को अच्छी तरह से दर्शाया गया है। कुछ सीन ऐसे हैं जिनका फिल्मांकन देखना दिलचस्प है। फिल्म की लिखावट अच्छी है, लेकिन स्क्रीन प्ले इंटरवल से पहले काफी धीमी है। इंटरवल के बाद कहानी की रफ्तार अच्छी है। कुछ ऐसे शॉट्स भी हैं जिन्हें आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पल भी आते हैं जो आपको इमोशनल कर जाते हैं। इसके अलावा अगर एक्टिंग की बात करें तो फिल्म में रितेश देशमुख और नरगिस फाखरी का काम ठीक ठाक है। ओवरऑल क्रिटिक्स का कहना है कि अगर म्यूजिकल और अच्छी परफॉर्मेंस वाली फिल्में आपको पसंद है तो इसे मिस मत कीजिएगा। फिल्म बैंजो को क्रिटिक्स ने 3 स्टार्स दिए हैं। क्रिटिक्स के रिव्यू के बाद अब आइए जानते हैं ऑडियंस रिव्यू। वॉचिंग बैंजो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ऑसम मूवी नाइसली डन रितेश ऑन्स एवरी सीन लाइक अ बॉस विश ही डिड मोर सोलो मूवीज लाइक दिस After watching Banjo, you will have more respect for street musicians. Now watching Banjo, excited. Banjo rocking, first day, first show. Ma kasam, Ritesh bhai kya lag rahe liyo? Review from my few friends, Banjo. Slow-paced story with appreciable performance from Ritesh. Watching Banjo and believe me, till now, it's rada rada. Super Ritesh Deshmukh and Nargis Fakhri, wow, loving it. बैंजो सुपर हिट है भाई, सक्सेस पार्टी की तैयारी कर लो।